कहाँ कहाँ लगे हैं? सारा एरिया कवर हो गया। कैमरे लगे ना यहाँ? सारे कैमरे लगे हैं। जहाँ भी कोई अगर कोई गलत व्यापार करे या कुछ करेगा उसमें करेंगे, उसे सारा जो सब बीच में है। और कहीं भी एक प्रभु जी याद रखना, हम किसी को टारगेट करते करते खुद टारगेट ना हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि गौ सेवा में ये वो अग्नि है कि जिसमें लावा दिखाई नहीं देता है, भस्म हो जाता है इंसान। क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता है, जिसमें 33 कोटि देवता एक गायक मात्र ही ऐसा जिसकी हम सेवा करने से 33 कोटि देवता का सेवा कर सकते हैं। और गौ की सेवा से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गौ की सेवा की हमने पितरों की सेवा हो जाती है, तो गौ माता की सेवा में कहीं त्रुटि ना हो जाए, ये ध्यान। और कोई भी आए उसे बड़े प्यार से आराम से समझाना है, ना कि हमने किसी से गुस्से से बात करनी है, ये गुस्सा नुकसान देता है। प्यार जो होता है स्वाभिमान देता है, स्वाभिमान सबको ले आता है ना। आपस में अगर किसी ने गलती की है वो उसी सजा खुद भगवान देगा। वो बैठा है जैसे पुलिस पकड़ती है, सजा नहीं देती, सजा जज देता है। तो इसलिए जज हमारा ऊपर है। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के शक्तिनगर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर आपने इस गौशाला से एक ऐसी हैरान करने वाली वीडियो देखी होगी जिसमें एक शख्स द्वारा जो है वो लगातार गाय माता की मारपीट जो है वो की जा रही थी, जिसको लेकर पूरे हिंदू धर्म के लोगों ने जो है वो उसका विरोध किया और ये कहा कि उस शख्स को जल्द से जल्द सलाखों का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। इस बीच गोरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये इस मामले को किस तरह से देखते हैं। ऐसा कोई आपस में कोई यहाँ गौ माता का कोई इनसे कोई ट्रस्ट बनाया, क्या हुआ क्या नहीं, इन लोगों को पता भी कुछ नहीं था। तो जो होता रहा ये बड़े बड़े आए, मैंने बोला आपस में ये निपटाओ, मैं नहीं देखूँ। पर कल परसों को पता लगा गाय को बहुत ज़्यादा पीटा गया, तो फिर मेरे से रहन नहीं गया। फिर ऊपर से भी संदेश आया कि गाय को अगर मार रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी दी है गौ माता की, तो आप क्या कर रहे हो? तो मैंने वही पता किया, तो पता लगने के बाद पता लगा वो अरेस्ट भी था। तो इसीलिए गौ माता को मैं ये कहूँगा, कहीं भी लोग जो आपकी ये आवाज़ सुन रहे हो मेरी, गौ माता की जितनी सेवा करेंगे इतना फल प्राप्त होगा। और जो गौ माता के साथ गलत व्यवहार करता आप उसे देख लो, आज 2 दिन पहले उसने किया था और पूरे जम्मू में क्या पूरे भारतवर्ष में ये पता लग जाएगा क्या इज्जत रहती है इंसान की क्या नहीं। जो अच्छा काम करता है वो सहारनीय होता है, जो माड़ा काम करता है वो सहारनीय नहीं होता, निंदनीय होता है। क्या कुछ पता चल पाया अभी उस व्यक्ति का कि क्या कुछ मंशा थी, ऐसा वो क्यों कर रहा था? अभी वो जाने जी, किसी के मन की हम क्या जान सकते हैं क्या है। ये जिनसे सुनता हूँ वो आता था यहाँ गाय को अपने बस में करना चाहता है। गाय कुछ देती है लेती नहीं है, और गाय को मार के गाय को बस में नहीं किया जाता। गाय को सेवा करके, गाय को हाथ फेर के, गाय से लाड़ प्यार करके आप गाय को बस में कर सकते हो। आप गौशाला जाइए मेरे साथ, खाली एक बाज लगाऊंगी, जितनी गाय हैं सारे गले मिलने आ जाएंगी। उनको प्यार से किया जाता है। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, और तीर्थ को ही हमें तीर्थ में जाकर तीर्थ से परिवार की कामना करनी चाहिए, सुख की। हमारे पूरे समाज की कामना करनी चाहिए, हमारा समाज जो है सुखी रहे, सब समाज अच्छा रहे। जब समाज ही अच्छा रहेगा तो ये संसार चलेगा, जब समाज ही नहीं अच्छा रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। एक तरफ गौ माता की पूजा की जाती है और इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और गाय माता के साथ इस तरह का अत्याचार करते हैं। देखिए गौ माता में 33 कोटि देवता है, तो जो करता है गौ माता तो किसी को बद्दुआ नहीं देती है, माँ किसी को बद्दुआ नहीं देती है। और गौ माता जिसमें 33 कोटि वो 33 कोटि का वो खुद ही अंक पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए गौ माता की सेवा में जो त्रुटि कर जाए तो उसमें बड़ा दुख प्राप्त होता है। यहाँ आप गाय के ऊपर नजर मारें, देखिए कितनी सुंदर गाय है, और इन गाय को कोई मारेगा तो उसका हाल क्या होगा, उसकी क्या दशा होगी। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ का माता की सेवा से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कि गौ माता ही पूरे परिवार को चलाती है, हम नहीं चलाते हैं, गौ माता ही चलाती है। और गौ माता की सेवा में हमें कभी कष्ट नहीं होना। तो देख सकते हैं कि जम्मू के शक्तिनगर इलाके में एक कायम गौशाला है, यहाँ पर एक शख्स द्वारा गाय माता को बेरहमी से पीटा जाता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से गाय माता पर यह अत्याचार किया गया? देखिए ये बड़ा ही निंदनीय है, ये पूरी हमारे हिंदू समाज के लिए एक भावना, मतलब हमारी भावनाएं हर्ट हुई हैं इस चीज को देखते हुए। तभी हमने मैंने प्रभु जी ने मुझसे बोला कि क्या किया जाए। अनु जी ने, मैंने राजकुमार जी से तुरंत बात की, मैंने कहा आप प्लीज़, जैसे कि आप हम फिल्म में इतना अनुशासित को
शाला चला रहे हैं, तो इस गौशाला को भी आपकी देखरेख में चले ताकि हमारी भावनाएं हर्ट ना हो और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, ताकि जो अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण इस कमेटी को पूरे अपने चंगुल में लेके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को करना चाहता है, जो कि हम कदापि नहीं चाहते। आज सभी कमेटी के सदस्य थे, प्रभु जी थे, सबने हमने राजकुमार जी के ये सौंप दी है जिम्मेवारी सारी। अब राजकुमार जी ही देखेंगे इसका सारा, मतलब इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये उसी गौशाला से तस्वीरें हैं कि यहाँ पर गौशाला में जो है वो गाय माता की बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को तो दबोच लिया है, रोहित बाली नाम का ये शख्स है, लेकिन लोगों में भी काफ़ी गुस्से की लहर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप लोगों को ये कहेंगे कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जो है वो आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।